ये देखो दोस्त, आप इससे कुछ ही समय में आप जितना इससे फॉगिंग करना चाहते हैं आसानी से आप कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे सभी भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल भाइयों। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे फोगर मशीन की, और ये काफ़ी जगह पे यूज़ होती हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, गांव, शहरों में भी यूज़ होती हैं, और बहुत ही शानदार मशीन है। आज हम राहुल सर से बात करेंगे जो चिब्बर के ओनर हैं। और सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज हमारे दर्शकों को क्या चीज़ दिखाएंगे, कौन सी मशीन है ये, उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी दीजिए। सर जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपने बता ही दी है कि ये फॉगिंग मशीन है। बिल्कुल। इसका उपयोग जैसे आप ये लगा के चलिए, हर एक घर में इसका उपयोग होता है, घरों में, स्कूल कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, हॉस्पिटल में, दुकानों में, बाजारों में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में, गांव की पंचायतों में, हर एक जगह इन मशीन्स का उपयोग होता है। जी, जी। और आने वाले समय में जैसे कि गर्मियों का टाइम आ गया है तो मक्खी मच्छर हर एक घर में होते हैं, परेशानी हर एक को होती है। हम उसके लिए जो मार्केट में नॉर्मल जो पेस्ट कंट्रोल की ऑप्शंस होती हैं वो लगाते हैं, उसमें हजारों का खर्चा हो जाता है लेकिन बेनिफिट नहीं मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मक्खी मच्छर से होने वाली कई किस्म की हानिकारक बीमारियां जैसे कि मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ऐसी बीमारियां जिनमें अगर कोई बंदा उनकी चपेट में आ जाए तो हजारों लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है। बिल्कुल सर। तो इन मशीन्स की मदद से हम उनसे होने वाली बीमारियों से भी बचत हो सकती है, और तो और जो मेरे भाई डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं वहां पे भी इसका उपयोग होता है। जो पहले मवेशियों के लिए हम शाम को धुनी लगाते थे, धुआं करते थे, वहां पे ये फॉगिंग से हम काम ले सकते हैं। अस्तबल में इसका काम हो सकता है, जो मेरे लोग कैनल्स का काम करते हैं, पशु प्रेमी है, वहां पे इसका उपयोग होता है। और तो और जो बाग बगीचे हैं, अगर आपने घरों में लॉन लगाए हुए हैं वहां पे अपने पौधों पे हर्बिसाइड्स का या फंगीसाइड का स्प्रे भी आप इस मॉडल से कर सकते हैं। और सर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये छोटी मशीन से, तो जी इसके बारे में जानकारी दीजिए, कहाँ कहाँ यूज हो सकती है ये। सर ये मॉडल जो कि आपको देखने में लग रहा है बिल्कुल छोटा वाला हैंडी कॉम्पैक्ट साइज का मॉडल है, इसको मिनी फॉगर कहा जाता है। अच्छा जी। ये मॉडल आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, घरों में, स्कूल कॉलेजेस में, कैनल्स में, डेयरी फार्म्स में। आपने इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो ब्यूटेन का सिलेंडर है वो इसके पीछे लगाना है, उसके बाद जो इसका टैंकी है उसमें डीजल के साथ में अपने केमिकल मिक्स करना है, और जब इसको स्टार्ट करेंगे तो ये वहां पे धुआं कर देगी जी, जी। जिससे मक्खी मच्छर से आप बच सकते हैं, राहत मिल सकती है जी। और सर ये जो दूसरी नंबर पे मशीन है ये वाली जी, इसके बारे में बताइए। सर उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट आती थी जो मेरे भाई नया खुद का रोजगार लेना चाहते हैं या कमर्शियल लेवल पे जो उन्होंने बड़े काम पे करना है, जैसे कि ग्राम पंचायत की बात करें या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, बड़े बड़े कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, वहां पे ये मशीन का उपयोग होता है। ये आप देख सकते हैं 100% स्टेनलेस स्टील इसकी बॉडी है। इस मॉडल को साइड पैक थर्मल फॉगर कहा जाता है। साइड पैक इसलिए क्योंकि इस बेल्ट के सहारे इसको हम आसानी से कंधे पे उठा सकते हैं, और चाहे तो हम इसको गाड़ी के पीछे रख के या टू व्हीलर बाइक स्कूटी के पीछे रख के भी अपने एरिया में, कॉलोनी में, लोकेलिटी में इसको चला सकते हैं। जो ये आपने मशीन बताई है दूसरे नंबर वाली, इसको कैसे चलाएंगे, इसमें क्या पेट्रोल डलता है? बिल्कुल सर, जो ये हमारा साइड पैक मॉडल है इसमें स्टार्टिंग के लिए पेट्रोल आपको डालना पड़ेगा। अच्छा, पेट्रोल से हीटअप होके कॉइल गर्म होगी, और फॉगिंग के लिए इस टैंक में हमें डीजल के साथ में केमिकल मिक्स करना है। अच्छा जी, फिर जी। ये आसानी से चला सकते हैं? बहुत आसानी से सर। और सर ये जो इससे बड़ी, दोनों मशीनों से बड़ी मशीन है और साथ में एक टैंकी भी दी है आपने जी उठाने के लिए, इसके बारे में बताएं। सर अब साइड पैक के बाद आज की डेट में जैसे आपको पता है पिछले काफी समय से सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा खतरा चल रहा है जिसको कोरोना, कोविड का कहा जाता है, तो ये जो मॉडल हमने पेश किया है, मेरे जो छोटे भाई साहब हैं पादल जी वो बहुत ही इनोवेटिव हैं, तो हमने ये जो मॉडल डिजाइन किया है ये आपका फॉगिंग का काम तो करेगा ही करेगा, साथ में सैनिटाइजेशन का काम भी करेगा। अच्छा जी, तो सर जैसे मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये जो हमारे भाई बिजनेस भी करना चाहते हैं ये किराए का काम भी कर सकती है? बिल्कुल सर, आप इससे अपना खुद का पेस्ट कंट्रोल का काम कर सकते हैं या अपने घर में काम करके आस पड़ोस में किराए पे चला सकते हैं, या इसको घंटों के हिसाब से रेंट पे देके अच्छा खासा मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। जी जी। और सर अब बारी आएगी प्राइस के बारे में, तो
पहले इसका प्राइस बताएं, फिर इसका और फिर लास्ट में इसका जरूर बताएं। बिल्कुल, वारंटी के बारे में भी और स्पेयर पार्ट के बारे में जानकारी दीजिए। सर प्राइस की अगर बात करें, जो ये मिनी फॉगर है जी, इसकी कीमत हमने रखी है 9,200 रुपया जी। सिर्फ 9,200 में हिंदुस्तान के हर एक कोने में ये मशीन हम आपके घर तक डिलीवरी के साथ देंगे जी। उसके बाद जो ये मॉडल आ जाता है साइड पैक मॉडल जो ये देख रहे हैं आप जी, इसकी कीमत है 35,500 रुपये। और वहीं पे अगर आप बैकपैक मॉडल जो ये थर्मल फॉगर का बैकपैक मॉडल है जी, ये लेना चाहते हैं तो इसकी कीमत है 32,500 रुपया। यानी कि बहुत ही कम मार्जिन में आप मशीन हमारे भाइयों को दे रहे हो जी। अगर कोई भाई, जैसे कि आपने अभी पूछा था कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो आप एक बात समझिए कि 9,200 जैसी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। तो सर जैसे इन दोनों मशीनों में तो पेट्रोल डलेगा, और जो मशीन ये आपने कहा जितना प्राइस है इसका, इसके साथ क्या आप सिलेंडर साथ में दोगे या एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा? बुटर साहब, जैसे कि आपने मुझे ये बात कही, तो मैं आज आपके इस चैनल पे ये वादा करता हूँ, जो भी मेरा व्यूअर या दर्शक मुझे आपके इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेगा और मुझे ये मशीन ऑर्डर करेगा, तो जो ये मिनी फॉगर मशीन है इसके साथ ये दो सिलेंडर ब्यूटेन के मैं कॉम्प्लीमेंट्री साथ में दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी मेरा भाई इसका स्क्रीनशॉट भेजेगा उसको। तो भाइयों देखो, बहुत ही फायदा हो गया हमारा वीडियो बनाने के लिए। और सर जैसे उसके बाद ये दोनों सिलेंडर खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद हमको ये इसका स्पेयर पार्ट, कोई भी स्पेयर पार्ट देना हो, तो वो कैसे पहुंचाएंगे आप? सर अगर आप सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे, जो भी एयर कंडीशनिंग का काम करते हैं वहां से ये सिलेंडर मिल जाते हैं। अगर किसी कारण आपको सिलेंडर वहां से नहीं मिल रहे हैं, आप हमसे परचेज कर सकते हैं। रही बात इसकी सर्विसिंग और वारंटी की, तो हम अपने किसान भाइयों को या जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स पे हम 12 महीने एक साल की वारंटी देते हैं। उसके बाद भी आपको किसी किस्म का स्पेयर पार्ट चाहिए तो हर समय हमारे पास मौजूद रहता है जी जी। और सर इसको मंगाने का, जो हमारे भाई देख रहे हैं, इसको खरीदने का प्रोसेस क्या रहेगा, कितनी एडवांस बुकिंग करवानी पड़ेगी? सर अगर आप डायरेक्ट हमारी कंपनी आ सकते हैं तो यहाँ पे आके लेके जा सकते हैं जी। घर बैठे मंगवाने के लिए मिनी फॉगर जिसकी कीमत 9,200 है, इसके लिए आपको 3,000 एडवांस डालना है। और ये जो बड़े मॉडल है थर्मल फॉगर, साइड पैक मॉडल जिसकी कीमत 35,500 है और बैक पैक मॉडल जिसकी कीमत 32,500 है, इनके लिए आपको 5,000 हमारे कंपनी के करंट अकाउंट में एडवांस डालना है। हम यहां से आपके दिए गए एड्रेस पे सामान डिस्पैच करेंगे। जब आपका प्रोडक्ट आपके लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, आपको बकाया राशि हमारे खाते में जमा करवानी है। हम यहां से मेल के माध्यम से DACC कैंसिल करवा के इसकी डिलीवरी आपके घर तक करवा देंगे, पहुंच जाएगी। और यो जो घर पे डिलीवरी होगी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी? बिल्कुल सर, जितना आपने प्राइस बताया इसी प्राइस में आपको अलग से कोई नया पैसा भी आपसे नहीं लिया जाएगा जी जी। तो ये थी एक शानदार वीडियो। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, उसे भी शेयर करें और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तो किसान भाइयों ये थी एक आपके लिए आकर्षक वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। मिनी फॉगर में अभी आपको चला के दिखा रहा हूँ। इसमें हमने ब्यूटेन लगाने के बाद यहाँ से इसकी नॉब हमने खोलनी है। आप नॉब खोलते ही आपको जो गैस की आवाज़ आने लग गई, ये इसका लाइटर बटन है। यहाँ से हम इसको प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये लाइटर जल चुकी है जो इसकी गैस है। अब इसकी जैसे जैसे ये कॉइल हीटअप होगी, इसको कुछ सेकंड हमने छोड़ देना है कि कॉइल इसकी हीटअप हो जाए। जब इसकी कॉइल हीटअप हो जाएगी हम यहाँ से पंप करेंगे तो ये धुआं बनाएगी। ओके ये हमारे हाथ में ये जो ब्लू बटन आप देख रहे हो, जब हम इसको प्रेस करेंगे ये देखो ऐसे, तो ये आगे से धुआं बनाना स्टार्ट कर देगा। ये देखो दोस्त, आप इससे कुछ ही समय में आप जितना इससे फॉगिंग करना चाहते हैं आसानी से आप कर सकते हैं। ये देखो इसको चलाना बहुत ही आसान है। ये जो ब्लू बटन है आपने इसको प्रेस करना है और ये फॉगिंग करता रहेगा। और जब आपने इसको बंद करना है, आपने जब ये मशीन फॉगिंग करने के बाद बंद करनी है,
तो ये आपने नॉब जो है इसको यहाँ से टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद ये जो गैस का नॉब है इसको आपने ऑफ कर देना है। ऑफ करके ये सिलेंडर यहाँ से हमने ऐसे रिमूव कर देना है। और अब हमने जो इसमें पानी डाला था वो पानी क्लीन आउट कैसे करना है ये आप देखिए, हमने नॉब चेंज कर दिया। अब ये पंप है हमारे हाथ में, ये हमने पंप करके इसके जो कॉइल है उसको ठंडा कर देना है। ये जो हमने इसमें पानी डाला है ये देखिए, इससे ये मशीन ठंडी हो जाएगी और जो इसकी कॉइल है वो एकदम साफ हो जाएगी। ये जो हमारा बैकपैक मॉडल है, सबसे पहले पीछे कार्बोरेटर में हमने पेट्रोल डालने के बाद बबल प्रेस कर देना है। उसके बाद ये जो बटन है ये इसका सेल्फ स्टार्ट का बटन है, हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं इसकी जो स्टार्टिंग की आवाज़ है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे मैनुअली भी स्टार्ट कर सकते हैं।